और बोरीवली में काफी लोग पार हो सकते हैं। पार होना आसान है क्योंकि कुछ हम अपने भी संकल्प से काम कर सकते हैं। हमारी पुण्याई सब आपके चरणों में है, उसको सब दान करके और हम चाहते हैं कि आप लोग पार हो जाए। लेकिन पार होने के बाद भी नाव में जब बिठा दिया उसके बाद भी नाव डग 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 चलती है, शंकाएं आने लग जाती है, उसको स्थिर करने का काम आपका है क्योंकि ये अति सूक्ष्म घटना है, बहुत मुश्किल से होती है। सब लोग बताते हैं कि एक आदमी से भी कुंडली जागरूक करना अत्यंत कठिन काम है, या माता जी हजारों की कैसे कर देते हैं, करती ही है, इसमें कोई शंका नहीं, किया ही है, हजारों की किए, गांव में देहातों में हजार लोग खटाखट पार हो जाते, होते ही है। आपको देखना है तो आप आके देख लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ हमारी भी बात हो गई है, कुछ हम भी जादूगर हैं, कोई हमारी भी विशेषता होनी ही चाहिए। आप विश्वास करें या न करें, है तो सही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शक्ति है ही जिसके कारण ये कार्य कभी भी आज तक संसार में नहीं हुआ, एकदम से संपन्न होता। पर उसके बारे में विचार न करते हुए आप इस वक्त अपने को पार करा ली। हम आपकी माँ हैं, हम आपकी पूरी सेवा करने के लिए तैयार, पूरी मेहनत करने के लिए तैयार, पर आपको भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जमना पड़ेगा, जमने के बाद ही इसका मजा आता है, जमने के ही बात आप समझते हैं सत्य क्या है, उससे पहले कोई सी भी बात समझ में नहीं आती। ये भी नहीं समझ में आता कि परमात्मा है या नहीं, विश्वास करें या नहीं करें, कोई भी चीज है या नहीं, इसका उत्तर नहीं आता। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप एक कंप्यूटर के जैसे परमात्मा ने बना दिए हैं, लेकिन उसको जब तक मेन से नहीं लगाएंगे किसी भी चीज का सवाल जवाब नहीं हो सकता। कोई भी बात जो अविनाशी है, जो अनंत की है, जो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते। इसलिए इस चीज को प्राप्त कर लेना एक महत् कार्य है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप बाजार में जाके शॉपिंग कर लें, ये बहुत गहन और गंभीर चीज है और अत्यंत अति सूक्ष्म, इसको स्वीकार करना चाहिए नतमस्तक होकर के। आशा है आप में से बहुत से लोग आज पार हो जाए, मुझे पूर्ण आशा है ये कार्य हो सकता है। आपके यहाँ भी बोरीवली में हमने चाहा था कि एक सेंटर खोले, यहाँ है भी, हमारे राजा भाई यहाँ से बहुत बड़े सहयोगी हैं, उनका आप लोग पता ले लीजिए। कल भी यहाँ प्रोग्राम होने को है, कल भी हम लोग आएंगे, सब लोग यहाँ आइएगा और पूरी तरह से इस चीज़ को प्राप्त कर लें। घर में जब गंगा दौड़ के आती है तो उसका लोगों को इतना महत्व नहीं रहता। दूसरी चीज है कि कोई सर्कस हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, फालतू के चमत्कार हो, यहाँ से कोई हीरा निकाल के दे तो हजारों आदमी दौड़ने को आएंगे। लेकिन परमात्मा को और कोई धंधा बचा है या नहीं कि जवेरी की दुकान खोलने की वजह से, और ऐसे जो हीरे निकालने वाले हैं उनसे कहना चाहिए कि आप जाकर हिंदुस्तान की समस्याएं सुलझा दें। जो अमीर लोग हैं उन्हीं को ये हीरे देते रहते हैं, ठीक ही है, अमीरों के लिए यही इलाज अच्छा। जो बहुत ज्यादा अमीर है वो सहयोग में कभी नहीं आने वाले, मुझे नहीं लगता आएंगे, जब उनकी अक्ल दुरुस्त होगी तब शायद आए, तो आए वैसे आने वाले नहीं, क्योंकि ये मध्यम रास्ता है। अतिशयता, कोई भी चीज की अतिशयता ठीक नहीं होती, उससे दिमाग खराब हो जाता है या उससे शरीर खराब हो जाता है, उसे कोई ना कोई इम्बैलेंस आ जाता, असंतुलन आ जाता। इस कारण आज आप परम को पाने की ही व्यवस्था करें, परम को पाते ही सब चीज ठीक हो जाती है, पर कोई अतिशयता नहीं आती, पूरा संतुलित अत्यंत आनंदमय सुखमय शांतिमय जीवन हो जाता है। कल मैं बताऊंगी कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, पर आज सिर्फ इतना बताऊंगी कि जब आप मेरे और इस तरह से हाथ करके बैठेंगे, आप सब लोग बैठ जाएं इस तरह से सीधे हाथ करके नम्रता पूर्वक, जैसे कि कुछ मुझसे मांग रहे हैं, सादगी से बैठ जाएं। तो आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये जो पांच उंगलियां और ये पांच उंगलियां हैं, ये सब आपके अंदर बसे हुए सेंटर हैं, चक्र है, अति सूक्ष्म है, वो यहाँ से खींच लेंगे शक्ति। आपके अंदर की कुंडलिनी जागृत होने के बाद पहली चीज आपने होगी कि आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे, आप आंख बंद करके अपने अंदर देखेंगे तो कोई विचार अंदर से नहीं आ रहा। उसके बाद जब ब्रह्मरंध्र को कुंडलिनी छेद देगी तो आपके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी ठंडी ठंडी हवा जैसे बहना शुरू होगी। जब आप मेरे ओर करेंगे तो मेरी ओर से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा आएगी।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतुलन न रहने के कारण एक हाथ में आती एक में नहीं आती, उसका संतुलन हम बना देंगे, कहीं कहीं चक्रों की पकड़ होती है उसको भी ठीक कर देंगे। लेकिन पहले है कि आपकी मोटर शुरू कर दें, आपको हम साक्षात्कार देने, उसके बाद आगे की बात होगी। जब दूध और पानी अलग नहीं होता तब तक कोई भी बात करने में कोई अर्थ नहीं रहता। आज आप इसे पा लीजिए, कल मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगी कि ये क्या शक्ति है, कि किस तरह से कार्यान्वित होती है और आप किस तरह से इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा यहाँ हमारे व्यास साहब हैं, वारिक साहब हैं, सब इस एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े सहयोगी हैं, इन सब का उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह से आप सब हाथ रखें। आंख बंद कर लें। अगर आंख में कोई धड़कन हो तो आंखें खोल लें। आशे माजा कड़े हाथ करून बसा, नम्रता पूर्वक आणि डोळे मिटा। डोळे मिटताना जर आपल्या पापण्या लावल्या तर डोळे उघडायचे, थोड्या वेळात जेव्हा कुंडलिनी या आज्ञा चक्राला पार करते त्यानंतर आतमध्ये एकदम विचार येत नाही, निर्विचारिता स्थापित होते, पण तुम्ही अचेतन होत नाही, चेतनावस्थेत निर्विचारित आहे। आणि जेव्हा कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र छेदते त्यावेळेला आपल्या हातातनं थंड थंड असे वारे येऊ लागतात, ह्याच चैतन्य लहरी आहे, ही शक्ती तुमची आहे। तेव्हा असं जाणलं पाहिजे की आत्मा हा आता बोलू लागला, त्याचं स्पंदन हातातनं वाहू लागलं, माझ्याकडे हात करून बसले तेव्हा माझ्यापासून थंड थंड आपल्याला येईल। हे एका क्षणात होत, पण आपल्यामध्ये काही ना काहीतरी दोष असतात, शारीरिक दोष असतात, मानसिक बौद्धिक दोष असतात, त्यामुळे सुद्धा कुंडलिनी जागृत होत नाही। कधी कधी आपण भलत्या ठिकाणी जाऊन आपलं हे डोकं लावलेलं असतं तेव्हाही कुंडलिनी उठत नाही, पण कशी असली तरी आम्ही त्याची व्यवस्था करू शकतो। तेव्हा तुम्ही स्वतःला काही वाईट वाटून घ्यायचं नाही, जर नाही झालं तरी आम्ही मेहनत करू, तुम्ही तयार असा म्हणजे झालं। डोळे मिटा आता। हे गाणं सुद्धा देवाला लावून जर तुम्ही विचारत घेतलं तर वो घडी आ गई आहे, तीच वेळ आलेली आहे, अत्यंत महत्वाची वेळ आलेली आहे। सगळ्यांनी हे बोट कानात घालावं, कारण विशुद्धी चक्र सगळ्यांचं धरलेलं आहे, सगळ्यांनी हे बोट कानात घालावं। दाबून धरा आणि मान थोडी खाली वाकवून। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।